5 ईयर्स है इसमें पासवर्ड डिसेबल हो गया, तो किस तरीके से इसको पासवर्ड अनलॉकिंग करेंगे तो आप दिखाते हैं आपको। देखते रहिए वीडियो को ध्यान से। वेलकम टू द माइंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चैनल पे नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को ध्यान से देखिए विदाउट स्किप करके, और आप सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर लेना है। आपको पावर ऑफ कर लेने के बाद आपको यहाँ पे दाब के रखना है ये होम बटन को, उसके बाद केबिल लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे केबिल लगाना है और वॉल्यूम बीच होम बटन आपको दाब के रखना है। जैसे ही आप दाब करके ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैसी नॉर्मली रख देना है और आपको आईटून ओपन कर लेना है जो रीस्टोरेट होने वाला है। यहाँ पे आपको आईफोन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा आपसे रीस्टोर या फिर अपडेट। आप सबसे पहले इसको रीस्टोर ओपन करें क्योंकि आपको पासवर्ड अनलॉकिंग करना है। रीस्टोर एंड अपडेट दोनों हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो फाइल है ये लगभग 2.82 GB का है। तो ये जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगा हमारा 1.1 GB ऑलरेडी हमारा डाउनलोड हो चुका है फाइल। तो जैसे ही हमारा फाइल पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो जाएगा और हमारा जो फ्लशिंग है वो कम्प्लीट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं मॉडल सही से और दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा आईफोन 5S है। तो ये जैसे ही दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 4 मिनट इसमें लेगा ये डाउनलोड होने में। तो ये देख सकते हैं हमारा बस अब 43 सेकेंड बचा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो हमारा आईटून है वो फ्लशिंग के लिए चालू हो जाएगा। 33 सेकेंड बाकी है। और और ये दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो एक्सट्रैक फाइल जो था हमारा वो डाउनलोड हो चुका है और ये हमारा फाइल एक्सट्रैक हो रहा है। इसको सिंपल यहाँ हम रख देते हैं और ये जो हमारा फाइल है एक्सट्रैक हो रहा है। और अब ये चालू होगा, ये वेटिंग फॉर आईफोन हो गया, ये फाइल अब फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए इसमें एक बार रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद इसमें लोड होगा फाइल। इसको ना कर देते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप लाइन पे रहिए, ध्यान से वीडियो देखें और केबल बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट ना करें। डोंट डिस्कनेक्ट द केबल। और ये देख सकते हैं जो हमारा जो फ्लशिंग का जो लाइन है वो आ चुका है और ये फ्लैशिंग हमारा चला वेरीफाइंग आईफोन री स्टोरेज आप देख सकते हैं। हमारा इतना परसेंट अभी चल रहा है इसमें फ्लशिंग हो रहा है। जैसे ये पूरा रीस्टोर हो जाएगा तो हमारा फ्लशिंग कंप्लीट हो जाएगा। रीस्टोर आईफोन सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा रीस्टोर हो रहा है।
और हमारा वेरीफाइंग आईफोन सॉफ्टवेयर जो है, अब ये फ्लैशिंग होने के बाद जो सॉफ्टवेयर हमारा जो रिस्टोर होता है, इसलिए वो वेरीफाइंग आईफोन सॉफ्टवेयर लिखाते हैं। ये सभी स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। मेरा वीडियो में कोई फेक नहीं रहता है, जो जितना मैं जानता हूँ मैं उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ बताने का कि कोई नया लड़का भी है तो वो भी सॉफ्टवेयर आराम से कर पाए। मैं आपको सब बता चुका हूँ किस तरीक़े से आपको लगाना है केबिल इंसर्ट करके, और आपको होम बटन दाब के रखना है। जस्ट 30 सेकेंड के अंदर ही वो आपका आईट्यून मोड में चला जाएगा। उसके बाद आपको आईट्यून ओपन कर लेना, और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, फास्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड का। उसके बाद आप आईट्यून में जैसे ही कनेक्ट होगा तो रीस्टोर और अपडेट आपका आ जाएगा। आप डायरेक्ट सिंपली रीस्टोर में आप कनेक्ट करके उसके बाद आप वहाँ पर फ्लशिंग करें। जैसे ही आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, वो डाउनलोड होगा 4 GB या 5 GB जो भी फाइल होता है, तो उसके बाद फिर आपका ये जो फ्लशिंग है ये चालू हो जाएगा जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद ये रीस्टोरी लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है अननोन एरर या एक केबल की वजह से प्रॉब्लम आता है, बैटरी की वजह से प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम आ जाता है हमारा बोर्ड में कोई प्रॉब्लम रहने से, उसकी वजह से भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखिए, जिस भी कस्टमर से करवाए वहाँ पे ये चीज़ बोल दें आप कि ये प्रॉब्लम होने से ये हम लोगों का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर जो करते हो वो ऊपर से करते हो ना, अंदर से नहीं करते हो। हार्डवेयर का काम में आपका कोई रिलेटेड नहीं रहता नहीं है। तो ये हमारा फाइनली आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना परसेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। और यहाँ पे वेरीफाइंग आईफोन रिस्टोरेड हो रहा है। जैसे ही ये रिस्टोर पूरा हो जाएगा, ये दोबारा से एक बार बंद होके चालू होगा और एक बार और रिस्टोरेड लेगा वो। और हाँ, जब भी आप रिस्टोर करो आईफोन को तो आपको पता होना चाहिए आपका एप्पल आईडी और पासवर्ड। अगर आपको एप्पल आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसका सॉफ्टवेयर मत करें, या कोई भी इसका लॉकिंग डिसेबल कुछ भी ना करें, क्योंकि आप डायरेक्टली करोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा वो। तो पहले आप याद से, जब भी आप एप्पल आईडी क्रिएट करो तो उसका पासवर्ड और एप्पल आईडी जो है वो आप याद कर लो या लिख के रख लो आप। ये देख सकते हैं एकदम कंप्लीट हो चुका है ये, और यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है। आपका अभी भी रीस्टार्ट ये बता रहा है, और हम इसको रीस्टार्ट कर लेंगे ओके करके। अब जो ये हमारा जो मैटर आता है, अब हम इसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो अब जो अपडेट फाइल था वो तो हमने फ्लशिंग कर दिया है विदाउट एरर का। आप देख सकते हो कोई भी फ्लशिंग में एरर नहीं आया है। हर चीज़ को आपको ध्यान से करना पड़ता है, और मैंने कहा था आपको कि ये जैसे ही फ्लशिंग कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो लोड लेगा दोबारा से। ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता है, सारा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है ये लोड लेना हुआ है एक्चुअली। तो ये जब पूरा लोड ले लेगा आपका तो ऑटोमेटिकली जो हेलो मोड है वो आ जाएगा। और इसमें एप्पल आईडी मैंने फाइंड माय चेक किया है तो उसमें नहीं है, ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ। ख्याल रखिए दोस्तों, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। पिन अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, ये होम बटन वर्क करना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही ये कनेक्ट होता है। कोई भी ये प्रॉब्लम है हार्डवेयर का तो पहले आप देखो, उसके बाद ही आप इसका सॉफ्टवेयर करवाएं, वरना प्रॉब्लम जो फिर आएगा तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपका बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। जितना आसान दिखता है दोस्तों, कभी कभी उससे कई ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट हो जाता है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। Yeah.
और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रिस्टोरेट ले रहा है हमारा। थोड़ा सा वक्त लेगा आपका, मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ अच्छी बीच में क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आए। हर एक स्टेप का एक बारीक से आप समझिए इस बात को, फुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही पूरा लोड ले लेगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं फाइनली हमारा जो ये है ऑन हो गया है हेलो लिखा के। तो अब हम इसको बाईपास करके देखते हैं। तो अब इसमें वाईफाई कनेक्ट करना होगा हमें, तो इसको सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं कंटिन्यू। और वाईफाई विदाउट कनेक्ट करके पहले एक बार देख लेते हैं, अगर इससे हो जाता है तो सिंपली हम इसको बाईपास कर देंगे पासवर्ड। ओके एग्री एंड एग्री और सिंपली कंटिन्यू हम इसको कर देंगे और फिर से कंटिन्यू। नॉट नो पे हम करेंगे मैसेज कंटिन्यू। एक बैक जाते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स एंड डोंट शेयर एंड गेट स्टार्ट डन। तो ये आप देख सकते हैं हमारा चालू पूरा हो गया है प्रॉपरली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, ये नया चैनल है प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल ताकि आपका भाई फिर से नया वीडियो लेके आ सके।